देखिए, ये तो सहमत हूँ कि वो जो बालकोट में किया था, बिकॉज मेरा कजिन उस पैरा यूनिट में था जिसने ऑपरेशन किया था, जी बिकॉज आई कम फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड, तो वो ओके तो आई टोटली एग्री विद यू. ठीक है, और वो जाकिब नायक, उसका क्या इलाज है? अब क्या है कि हमने मलेशिया से चेकअप किया था जाकिर नायक को भेजने का। मलेशिया एक जो कंट्री है ना, इसका जो पिछला जो प्राइम मिनिस्टर था उसके साथ पीएम मोदी स्पेशली वहां गए थे, महातिर मोहम्मद के साथ वहां हुए थे 90 समथिंग की, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। लेकिन पाकिस्तान, वो मलेशिया का काफी जो इंटरेस्ट आ गया वो टर्की के साथ आ गया, टर्की और पाकिस्तान के साथ। अब हम कंट्रीज के साथ हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते आप यहाँ भेजो, लेकिन जब उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया यूएन के अंदर, तो हमने उससे वहां से ऑलिव अपने कुछ सामान मंगाते थे, ऑलिव ऑयल वगैरह क्या था, तो हाँ ये ऑयल के लिए जो होता था पाम ऑयल. सामान, पाम ऑयल मंगाते थे, वो बंद कर दिया। उसकी इकोनॉमी में बड़ा फर्क पड़ा। फिर उसकी अगली गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम आपको कश्मीर के ऊपर कुछ नहीं करेंगे। हाँ लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया इसके ऊपर, क्या कहते हैं, जो FATF के अंदर। तो एक क्या होता है कि हमको किसी कंट्री के साथ हम उसको पूरा ऐसा निचोड़ नहीं सकते, हमारी भी लिमिटेशंस होती हैं कि हम किसी को हैं तो हमारे उस पर चल, हम अमेरिका जैसे गुंडे नहीं है, हम उतनी बड़ी पावर भी नहीं, तो हमें देखना पड़ता है। फिर जाकिर नायक को मुझे लगता है कि हमारी जरूर प्रायोरिटी है, देखते हैं कब मौका मिलता है, कब करते हैं। और ये एक इंडिविजुअल कितने मायने भी नहीं रखते, एक निकलेगा हटेगा दूसरा आ जाएगा, तो वो चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ ये गवर्नमेंट इन चीज़ों पे ट्राई करती रही है, और इसीलिए आज पाकिस्तान जब हट जाएगा तो उसके पीछे से मलेशिया भी, टर्की का वैसे बुरा हाल है, टर्की की जो पिछले 1 साल के अंदर $80 बिलियन से $36 बिलियन का उनका फॉरन एक्सचेंज रह गया है, और हर एक महीने के उनका घट रहा है, $3 बिलियन हर एक महीने से घट रहा है। देखते हैं कैसे रिवाइव कर पाते हैं। और इंडिया का फॉरन एक्सचेंज का जो रिजर्व है वो हर एक हफ्ते $3 बिलियन का, नहीं, तो ये तो देखते आई हैं। एग्री विद यू, क्योंकि ईयू ने टर्किश शिपिंग पे सैंक्शन लगा दिए हैं. देखिए EU ने सैंक्शन लगा दिया, फ्रांस के साथ झगड़ा हुआ उसने लगा दिया, अमेरिका ने उसके साथ लगा दिया, जो उनकी डील चल रही थी पाकिस्तान के साथ आर्म्स वगैरह सप्लाई करने की, शिप सप्लाई करने की, या उनके जो एयरक्राफ्ट को रिपेयर करने की, वो खत्म हो गए। उनकी जो फ्लीट बैठी है, मिराज बैठे हैं उनके पास, फ्रांस ने कह दिया मैं तुम्हारे ये रिपेयर नहीं करूंगा। गल्फ ने उनके ऊपर वैसे बैन लगा दिया, उनकी कोई चीजों को अपनी कंट्री में लाने दे रहे। तो उसके बाद इंडिया ने एक इजिप्ट, UAE, साथ में ग्रीस, और ये चार पांच कर, साथ में फ्रांस मिला हुआ है, हमने एक फ्रंट बनाया है, इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा इस टर्की के खिलाफ। और टर्की इस टाइम पे टोटल घबराया हुआ है कि उसके अंदर दोबारा से रिवोल्ट होने की सिचुएशन बन रही है जो 2016 में थी। US के इम्पोज करने से भी सेंक्शन बड़ा फर्क पड़ा है। तो ये जो इंडिया के दुश्मन है, मैं सोचता हूँ कि हम उसको एक अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और फिर क्या होता है, एक फर्क होता है, एक डिप्लोमेसी का फर्क है, एक इंटेलिजेंस का फर्क है, जब ये दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं तो उस चीज की बहुत भारी अचीवमेंट है। अब अभी जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए हुए थे, हमारे अपने आर्मी चीफ गए हुए थे गल्फ के अंदर, हमने गल्फ पे पूरा एक हिसाब से हमारे फेवर में आ गया है, उनको इंडिया की जरूरत है क्योंकि वो अपनी ऑयल की इकोनॉमी से निकलना चाहते हैं, उसके लिए इंडिया की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट यहाँ होगी। हमारी सऊदी के साथ $60 बिलियन की अगर ट्रेड है तो पाकिस्तान की 6 बिलियन की है, UAE के साथ हमारी $30 बिलियन की ट्रेड है तो पाकिस्तान की 3 बिलियन की, तो इंडिया के अंदर मार्केट है, सेफ मार्केट है। अब अगर UAE की सिक्योरिटी अगर हमारी आर्मी को मिलती है तो कितनी बड़ी बात है। फिर हम इंडिया को क्या मिल रहा है कि पूरे गल्फ की सिक्योरिटी मिल रही है, साथ में इसराइल, इसराइल को उन्हें भूटान में बिठा दिया, उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश कराए हैं इसराइल के साथ, ताकि वो चाइना के बॉर्डर को वो मॉनिटर करेंगे जो 405 किलोमीटर का बॉर्डर। तो हम आपस में एक जगह जगह जो अलायंस कर रहे हैं वो एक बड़ी अच्छी चीज कर रहे हैं। आप तो अगर आर्मी बैकग्राउंड से आप सब चीज़ों को समझते हैं, हमने मलक्का स्टेट पे रख दिया, यहाँ पे US ने हमको ऐसा इक्विपमेंट दिया है जो हम मलक्का स्टेट के अंदर जो सबमरीन आएगी उसको वॉच कर सकेंगे। फिर फ्रांस कहता है कि आप इंडोनेशिया और इंडिया तीनों मिलकर हम यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे, अपना एक अलायंस बनाएंगे, क्योंकि इंडोनेशिया का एक वहाँ पे सवांग पोर्ट है, वो इंडिया को उन्होंने दिया हुआ है अपनी नेवल बेस बनाने के लिए। सवांग पोर्ट सबसे क्लोजेस्ट है अंडमान निकोबार आइलैंड से, और दोनों मलक्का स्टेट के क्लोज पड़ते हैं। तो हम टोटल चाइना को ब्लॉक करने के उसमें बैठे हैं, एक स्ट्रेटेजी में बैठे हैं, वो ये आर्मी की स्ट्रेटेजी है। इससे बेटर, आपसे बेटर तो वो कोई समझेगा भी, नहीं, क्या ये तो आर्मी आपकी बनाने आई चल रहे विद हैं। यू, बिकॉज मेरे फादर जो थे वो एक टाइम पे मिलिट्री अटैच थे एम्बेसी ऑफ इंडिया इन बीजिंग, और ही वाज हैंडलिंग चाइना एंड कोरिया बोथ, एंड ही स्पीक्स फ्लुएंट चाइनीज एंड राइट चाइनीज. तो वो तो बोलते हैं कि चाइना जो अगर आप देखें तो उसमें 60% ऑफ द लैंड इज कंट्रोल्ड बाय 40% ऑफ द पॉपुलेशन जो नॉन चाइनीज है, टिबेट, हाँ शिंगजियांग, हाँ एंड 40% लैंड इज कंट्रोल बाय द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो हान चाइनीज है. तो अगर आप इनकी हिस्ट्री में जाते हैं तो जब भी सेंटर वीक होता है ये सब प्रोविंसेस इंडिपेंडेंट हो जाती है, और चाइना को इस सबसे बड़ा डर है. तो जब भी इन बिल्कुल, प्रोविंसेस में कुछ होता है वो ब्रूटल क्रैकडाउन करते हैं, क्योंकि वो डर देखिए बैठा हाँ हुआ है उनके अंदर. और मेरे फादर चाइना बोलते की हैं जो, कि वो टूटना ही है, इन्होंने क्वेश्चन है कब, पर ये टूटेगा ही.
अभी देखिए कि जैसे ट्रंप, चलो चांस की बात है, लेकिन अगर ट्रंप थे तो ट्रंप ने अब तिब्बत को कर दिया। एक इंडिया ने बड़ी, हमारा यहाँ पे झगड़ा हुआ जब मतलब लेह लद्दाख में, तो इंडिया ने अपने एसएसएफ कमांडो, एसएफएफ के कमांडोज भेजे, आर्मी को नहीं भेजा, आर्मी कमांडो नहीं थे, एसएफएफ के कमांडो जो है वो रॉक हैं। बिल्कुल हाँ, वो बेसिकली क्या है, वो खम्पास, खम्पास एक ट्राइब है वहां की, वो बड़े फाइटर्स हैं और वो दे आर द बेस्ट हिल्स में। मतलब जो हमारे नॉर्मल आर्मी कमांडो कहोगे उनसे मच बेटर फाइटिंग हिल्स। क्यों? क्योंकि वो हिल्स को बिलोंग करते हैं, हाई एल्टीट्यूड को बिलोंग करते हैं, तो उस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा अफेक्टिव है इस चक्कर में। फिर उनके अंदर एक वैलर भी है कि वो इस एरिया को रहते हैं, जानते भी। तो इंडिया ने चाइना को ये सिग्नल देने के लिए भेजा कि हम ये बैठे हैं, इसको खड़े करेंगे। और इंडिया ने कभी भी एक्सपोज नहीं किया था इससे पहले चाइना के सामने, नहीं, इस आई टाइम भी एग्री विद यू, एक्सपोज किया क्योंकि है। मेरा ब्रदर सियाचिन में पोस्टेड था, तो बोलता था जी, टिबेटन ट्रूप्स इतने स्ट्रांग हैं कि बनियान में सियाचिन में -30 में वॉलीबॉल खेलते थे। अब एक और चीज देखिए ना कि सियाचिन, बाकी तो हमारे दो प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह, वो कहते हैं सियाचिन दे दो, आई के गुजराल कहता सियाचिन दे दो। अब हमारे जो ट्रुप्स वहां खड़े हैं, वहां से हमारी जो आर्टिलरी की गन्स हैं उसकी रेंज में आ जाते हैं। अब इनका सीपीसी खत्म है, और इंडिया जो अपने यहाँ रोड बना रहा है पर्पज से नहीं है, मानसरोवर भी लेके हटेगा इंडिया जिस दिन थोड़ा चाइना पे पूरा चलेगा। लेना है, अक्षय चैन, मानसरोवर सब। तो ये इसलिए रोड बना रहे थे 265 किलोमीटर का। तो मैं बल्कि चाइना पे एक सेपरेट प्रोग्राम भी करना चाह रहा था कि चाइना पे भी करूँ, फिर मैं इसका जो गल्फ के ऊपर करूँ वो भी करना चाह रहा था, फिर करूँगा। आप भी उसमें आइए तो उसमें अलग से क्वेश्चन उस चीज पे पूछेंगे, चलो, है थैंक ना? नाइस टॉकिंग यू टू यू। हाँ थैंक यू थैंक यू वेरी मच, हाँ हाँ थैंक हाँ मिली जी, बोलो बोलो मिली। यू। हाँ बोलो। यस, अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश एंड व्हाट यू ओके आर सेइंग आई वाज लिसनिंग यू। नॉट ओके ओनली इन इंडिया और इन पाकिस्तान, इन बांग्लादेश ऑल्सो देर इज सो मेनी पीपल, एज आई वाज लिविंग इन द विलेज एंड द हिंदू पीपल वेर सो गुड, बट दे वॉन्टेड टू डू समथिंग टू मेस क्रिएट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, बट एज आई फील दैट नो, वी मुस्लिम्स एंड हिंदूज ऑल आर सो कन्विंसिंग, एंड नॉट ओनली इन बीजेपी और बीएसएफ, इन इंडिया ऑल्सो दे आर सो हेल्पिंग अस सो मच टू क्रिएट आवर बॉर्डर और टू सिक्योर आवर बॉर्डर इन द लास्ट 15 ईयर्स, और यस इन द लास्ट 15 ईयर्स बेसिकली। सो we all are one, we are not we do not wanted to create any bad image, or we are not bad. This is what we want to see, and this is what we want to portray in the world, isn't True. it, sir? Now, Mili, I tell you one thing. You are too young. You have not seen the liberation of Bangladesh. Yes, Bangladesh was under Pakistan, and how much atrocities the Pakistan has my committed. my father was in West Bengal, in West Bengal when 1971. So he had told me so many things, and I know how brutal they are. I mean, my father, he said to me this, they even piss on him, though he was a very highly reputed man in that state. So they didn't wanted him to do work in that state, and they just put all those big men's, and they have created a blue map maybe in some way to just destroy this country. And if India was not there, we are not here, we will not be here if India was not helping us. Now, Billy, the thing is, you see, that when India liberated Bangladesh, I think means maybe 1 crore Bangladeshis were in India because of what the Pakistan army did. They are a brutal army. And after Yes. that, how brutally in that war that India fought with Pakistan to liberate Bangladesh, India lost 3,000 soldiers. 8,000 soldiers of Indian soldiers were injured also seriously. But what India did, India handed over the power to Bangladeshis and came back. But there were some Pakistani agents who killed the father of the nation, Mujibur Rahman. After Yes, sir. that, some anti-Indian governments were there. They collided. They were part of Pakistan. They supported Pakistan, and they were indulging in anti-India activities. Thank God that you have a government which is now
not anti India, and this present Prime Minister of Bangladesh, she has seen how her father was murdered or killed. You know, she was at that time in London also. Now the thing is that after PM Modi came, our governments also ignored certain things. You know, after PM Modi came, how the situations are improving. When PM Modi visited Bangladesh, I think it must be in 2016 or 15, he gave 10,000 acres of land to Bangladesh to settle the problem. Because when Mrs. Gandhi was there, she wanted to settle this problem, but by the time she lost power, and nobody cared in India about Bangladesh. Now, today, the kind of government that you have in Bangladesh, Bangladesh GDP is growing at a very faster rate. Yes, and I think Bangladesh is improving fast. And in Bangladesh, I tell you, this, you know, maybe 10% Hindus are there or something, but that is not the issue. Bangladesh is progressing well. India doesn't have any security. India doesn't have any security. Yeah. There are so many people who went out of Bangladesh and want to portray some bad image of Hindi. There are media people also. Yeah. Another government which was there. They are basically trying to do this. But Miri, the basic thing, what is there? You know, when PM Modi went there, a lot of people celebrate PM Modi's visit. You know, after that, this Sheikh Hasina, she won with a very good majority. Now, these Bangladeshis who had come from Bangladesh, why did they come? Because after Bangladesh independence, after Mujibur Rahman's death, so Bangladeshis didn't find any job there over there, so they came to India. But now, I think most of the Bangladeshis would not like to come. But second thing is there that Indian politicians are exploiting them. That's the thing. That's there. So that's the reason. So because somebody was talking to me that way, we do not have any problem with Bangladesh as far as security issues are concerned, because we have a government that is good to India. And Bangladeshis means, because a lot of poverty was there, so people shifted to Indian side. If the situation becomes normal in Bangladesh, Bangladesh economy picks up, I don't think the people would like to stay, but the Indian politicians, they exploited the Bangladeshis. When we talk to the Bangladeshi government about with Sheikh Hasina, about the Bangladeshis who are staying in India illegally, she said, we'll take them back. Give us the list. So actually, they are exploited. I don't blame them totally. And I know, I have met some Bangladeshis also. I was when abroad, Bangladeshi diplomats I met. You know, we had excellent relations. And very beautiful people I know. Bangladeshis are very beautiful. They are very beautiful at their heart. They are very intelligent. And they are, because they are intelligent, that is why the Pakistanis hated them and killed them. They tortured them. But they are not the kind of incident that happened with Pakistan. They are happening in India. And I think we would like to see Bangladesh, because if Bangladesh or even Nepal or Bhutan, they prosper around India, we will have a better time. We will have good relations. We will have good trade. And India is passing, they are making, opening a road from Bangladesh, linking Bangladesh, Nepal and everything, you know. So that is a sign of progress, and that is a sign of prosperity. And the thing is, then when Mrs. Gandhi when Modi went to Bangladesh, at that time, before that, Bangladesh has signed an agreement with Pakistan, with China, to give their Chittagong port to them for development. When Modi went, so they said, you also join. Some other ports were there which were being given to China, they gave it to India. So we have a friendly government there, and they are not the issues. They are small issues, they are political issues over here, which are creating this rift. But otherwise, basically, that's not the rift, you know. Bangladesh, when our people stay over there, it's not a big problem. It's a small problems, of course, they face, but not unlike Pakistan. And Bangladeshis, like your father was there, he has seen what has happened to how the Pakistanis treated them. The same treatment the Pakistanis are doing with the people of Balochistan and even Sindh. So I would say, you are young, you are beautiful, stay blessed. Stay blessed and progress in life, progress nicely in your life, and my blessings are with you. Thank you.